चलिए आज बनाते हैं आलू बड़ा, एकदम सिंपल और नए तरीके से, बट इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। इसे बनाना भी काफी आसान है और बनाने की सारी सामग्री हम सबके घर में उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, होम सेफ रूबी में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने 5-6 मीडियम साइज के आलू, और इसको अच्छे से प्रॉपर क्लीन करके और कुकर में 2-3 सीटी लगा के बॉईल कर लिया है। और अब इसके छिलके हटा के इसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करके एक बाउल में रख देंगे और उसको मैशर से ऐसे अच्छे से मैश कर देंगे। प्रॉपर पूरी तरह से मैश हो जाना चाहिए, ऐसे गुठली नहीं छूटना चाहिए। थोड़ा सा लगे कि अच्छे से नहीं मैश हुआ है तो फिर उसको हाथों से प्रॉपर देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको मैश कर दिया है। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच शुगर, और शुगर डाल के इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी आलू मेरा थोड़ा गर्म ही है तो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, यदि आपका ठंडा भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस और स्वाद के अनुसार काला नमक, इसमें काला नमक का ही यूज करेंगे। और अब इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और एकदम बारीक चॉप किया हुआ 2 प्याज। और अब 2-3 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से कूट लिया है, इसको एकदम बारीक नहीं पीसना नहीं है, ऐसे दरदरा कर लेंगे। यदि आप तीखा ज्यादा खाते हैं तो 1-2 और भी डाल सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे खूब सारा धनिया, और इन सबको डाल के अच्छे से हाथ से ही प्रॉपर मिक्स करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ऐसे प्रॉपर मिक्स कर लिया है मैंने, तब इसके ऐसे बड़े बना के देख लेंगे। देखिए इसी तरह से ऐसे सारे बड़े बना के बॉल बना के रख लेंगे, और इस तरह से इसके बॉल बना के मैंने रेडी कर लिया है। तो अब चलिए इसके लिए घोल तैयार करते हैं। इसके लिए एक बाउल लेंगे और उसमें 2 से 4 चम्मच बेसन लेंगे, और अब इसमें डालेंगे चुटकी भर नमक, मतलब 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, उसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके और अब इसमें डालेंगे पानी और इसको अच्छे से प्रॉपर मिक्स करते हुए इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से इतना गाढ़ा रखा है मैंने। इसे बड़े को डीप करना है ना आलू है, तो उसके लिए थोड़ा गाढ़ा घोल ही चाहिए होता है। और अब एक कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन करेंगे और उसमें डालेंगे तेल। तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे। और अब ऐसे आलू का जो बॉल बनाया है ना, उसको ऐसे इसमें प्रॉपर डीप करके, और तेल एकदम अच्छे से प्रॉपर गर्म हो जाना चाहिए, तब उसमें हम डालेंगे अपना बड़ा। और इसको डाल के और अच्छे से फ्राई करेंगे, ऐसे धीरे धीरे थोड़ा ऊपर तेल डाल देंगे। और इसको ना ऐसे झटके से ही नहीं पलटेंगे, कभी कभी क्या होता है ना आलू रहता है ना तो वो थोड़ा चिपकने भी लगता है बड़ा, इसलिए इसको धीरे धीरे ऐसे पलट लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे ऐसे एकदम गोल्डन। देखिए कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से सारे बड़े बना लेंगे। देखिए हमारा बड़ा कुछ इस तरह से बन के एकदम रेडी हो गया है। तो चलिए अब फटाफट गर्मा गर्म एकदम इसको खाते हैं। आप यदि बटाटा बड़ा आपको अच्छा लगता है ना, तो एक बार इस तरीके से बनाइए, ये बहुत टेस्टी लगता है। बड़े तो कई तरह से बनते हैं बट इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट लगता है। आप इसको चटनी या मिर्चिया या ऐसे भी खा सकते हैं, और चाय के साथ तो पूछना ही नहीं कितना टेस्टी लगता है। तो आप भी जाइए और फटाफट बनाइए, और ऐसे ही बहुत सारी क्विक रेसिपीज के लिए होम सेफ रूबी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।